नमस्कार दोस्तों, आरएस डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में ब्लाउज का बैक नेक डिजाइन बनाना बताएंगे। तो देखिए, हमने इस तरह गला तैयार कर लिया है। गले की जो गहराई है 11 इंच ली है और ब्लाउज की पूरी लंबाई 13.5 इंच होगी, तो 1 इंच ज़्यादा ले लेना है। इस तरह गले का शेप दे दिया है। देखिए, नीचे राउंड शेप दिया है और ऊपर इस तरह से, और चौड़ाई इसकी गला बनने के बाद 6 इंच है। 5.5 इंच पर इसे कट किया है। तो इस तरह आप पहले गला तैयार कर सकते हैं, उसके बाद इस पर डिजाइन बनानी है। तो हमने देखिए गला जो है तैयार कर लिया है, अब इस पर डिजाइन बनाएंगे। तो डिजाइन बनाने के लिए इस तरह से देखिए बुकरम लिया है और बुकरम के ऊपर इस तरह से डीप कट बनाने हैं। तो ये देखिए इस तरह गोलाई का निशान बना दिया है। बुकरम के ऊपर इस तरह से बना देना है। तो ये 4 डिजाइनें इस पर रखेंगे, 5 डिजाइनें। तो इसी तरह से देखिए बुकरम के ऊपर बना लेंगे पहले। उसके बाद देखिए कपड़े के ऊपर रखते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद देखिए इसे कट कर लेना है। अब गले की देखिए नीचे वाली साइड में, जिस साइड नीचे गोलाई वाली साइड में पहले देखिए सेंटर मार्क कर दिया है। अब एक डिजाइन यहीं से रखकर पहले सिलाई लगा लेंगे, फिर 2 इस साइड से बनेंगी और 2 उस साइड से। तो पहले बीच वाली डिजाइन जो है उसे बनाएंगे। तो जहाँ से देखिए ये निशान बनाया था वहीं से सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद इसको कट कर लेना है। अच्छे से कट कर लेंगे। कट करने के बाद कट लगा लेना है पूरे पर। कट लगाएंगे तभी अच्छे से पलटेगा। तो कट इस तरह से लगा देंगे सिलाई बचाते हुए। उसके बाद अंदर की तरफ इसको पलट देना है इस तरह से, और ऊपर से एक सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह देखिए इसको बनाना है। इसी तरह 2 इस साइड में और 2 इस साइड में डिजाइनें और बनेंगी। तो इसी तरह से बना लेंगे बराबर दूरी पर रखते हुए, 2 इस साइड में इस तरह से और 2 इस साइड में आएंगी। बीच में 1/2 इंच का गैप दे देना है। तो इस तरह देखिए हमने सभी डिजाइनों को बना लिया है। उसके बाद अब इस तरह से कपड़ा लेंगे, इससे पट्टी तैयार करनी है। तो सिलाई इस पर लगा दी है, अब इसको पलट कर सीधा करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3-3 इंच की कट कर लेनी है, 3 या 3.5 इंच की ले लेनी है। थोड़ी सी बड़ी ही रखना है, बाद में जो ज़्यादा आएगी उसे कट कर देंगे। अब देखिए इसमें मोती डालना है। तो एक पट्टी पर 2 मोतियाँ डालेंगे, इसी तरह दूसरी पर 2 डाल लेना है। तो देखिए दोनों पर 2-2 मोतियाँ डाल दी है। अब इस तरह से इसको यहाँ पर पकड़कर सिलाई लगा लेना है। इसी तरह देखिए जितने कट हैं उतनी डिजाइनें लगेंगी। तो 5 डिजाइनें इस पर लगेंगी। तो हमने सभी इसी तरह से बना ली है। अब देखिए इस तरह इसको यहाँ पर रखना है और इसी अच्छे से सिलाई लगाकर इस पर सेट कर देना है। तो सभी डिजाइनों को इसी तरह से बनाना है।
तो इस तरह देखिए हमने सभी डिज़ाइनों को बना लिया है। अब इस तरह सीधा कपड़ा लेंगे जिसकी हमने चौड़ाई 3 इंच ली है और लंबाई ज़्यादा ले लेनी है। अब गले पर जो ऊपर जो गला है उस पर ये डिज़ाइन होगी, तो पूरी फ्रिल से ये डिज़ाइन होगी, तो उसी हिसाब से कपड़े की लंबाई ले लेना है। चौड़ाई हमने 3 इंच ली है और इस तरह डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दिया है। अब यहाँ से देखिए साइड तक इसको ले जाना है। इस तरह से देखिए आधा आधा इंच की दूरी पर आधा आधा इंच की चुन्नर देते हुए इसे बनाना है। तो इस तरह फ्रिल बना लेनी है। उसके बाद देखिए सिलाई के बाहर जितना भी कपड़ा आएगा उसे पूरा कट कर देना है। अब इस पर लेस लगा देंगे। तो इस तरह देखिए लेस लगा देना है। इसी तरह दूसरी साइड भी डिज़ाइन को बना लेना है। साइड भी डिज़ाइन को बना दिया है। अब इस पर डिज़ाइन पर जो ये फ्रिल बनाई है इस पर एक एक मोती चाहे तो लगा सकते हैं। जितनी भी फ्रिल है सभी को ऊपर एक एक मोतियाँ लगा दें, तो हम बाद में गले पर डोरी लगा देंगे। तो डिज़ाइन बन के तैयार है। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।